हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों का एल्पोर्ट सिंड्रोम की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कम्प्लीटली क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एल्पोर्ट सिंड्रोम क्या है? AS, एल्पोर्ट सिंड्रोम इस ऑटो अमीनो डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है। स्पेशली इफेक्ट किडनी, इनर आई, एयर एंड आइज एबनॉर्मेलिटीज। एल्पोर्ट सिंड्रोम एक्सपीरियंस प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव ब्लड इन द यूरिन, इज कलेक्टेड हिमेटोरिया। एल्पोर्ट सिंड्रोम इज आल्सो अपियर हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन यूरिन कॉल्ड एज प्रोटीनोरिया। ब्लड इन यूरिन एंड हिमेटोरिया एंड प्रोटीन इन यूरिन प्रोटीनोरिया, ये दोनों ही फंक्शन एल्पोर्ट सिंड्रोम में पाए जाते हैं। एक तरीके की किडनी डिसीज है और साथ में इस किडनी डिसीज के साथ में एक एयर और आइज भी इफेक्टेड होते हैं। ये इनके कॉजेज क्या होते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम्स के? इसे हेरिडिटरी डिसीज है ये, इसलिए हेरिडिटी में तो कोई भी सिम्टम मेंशन हो जाते हैं या एग्जैक्टली नहीं भी रहते हैं। और जो सेम सिम्टम्स हैं वो मैं सेम कॉजेज हैं वो मैं आपको बता दे हूँ। एल्पोर्ट सिंड्रोम इज़ हेरिडिटरी डिसीज ऑफ द किडनी, इनर एयर infections, eye diseases and more than causes glomeruloneuritis GN। ये टू टाइप्स के होते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम, एक्यूट एंड क्रोनिक। बट ये टाइप फोर्थ कोलेजन फैमिली ऑफ पेशेंट। ये फैमिली हिस्ट्री में डिपेंड करता है, हेरिडिटरी डिसीज़ है इसलिए फैमिली हिस्ट्री में जिस तरीके से कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग साइनिंग सिम्टम और कॉजेज अपीयर होते हैं। देन कॉजेज डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिकली एल्पोर्ट सिंड्रोम। इनके साइनिंग सिम्टम्स क्या हैं, किस तरीके के लक्षण होते हैं? हिमेटोरिया, यूरिन में ब्लड होता है, हेयरिंग लॉस हो जाते हैं, सम पेशेंट को सुनाई कम देता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है, यूरिन में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, एबनॉर्मेलिटीज इन द शेप लेंस, आँखों में जो पुतली होती है उसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं आँखों में। ये एल्बर्ट सिंड्रोम में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, एबनॉर्मल पिगमेंटेशन ऑफ रेटिना कॉल्ड डॉट्स, फ्लैक रेटिनोपैथी, कॉर्निया इरोजन, ऐसे बहुत सारे साइनिंग सिम्टम होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज। एल्पोर्ट सिंड्रोम की होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि होम्योपैथिक सॉल्यूशन हैव हैड बीन सक्सेसफुली इन द ट्रीटिंग किडनी डिजीज, फॉर विच इज स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशियल प्रिस्क्रिप्शन गिविंग नो क्योर एंड अदर नॉट इफेक्टनेस फॉर दिस कंडीशन, बट होम्योपैथी आर ट्रीटिंग किडनी डिजीज विदाउट एनी साइड इफेक्ट। किडनी डिजीज का एक होम्योपैथी एक सॉल्यूशन है जो कम्प्लीटली क्योर करती है, बाकी जो अदर पैथीज हैं, अदर कन्वेंशियल प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, ये बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकती, सिर्फ आपको एंटीबायोटिक्स ही लेने होंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में क्रोनिक किडनी डिसीजेस कम्प्लीटली क्योर होते हैं। लॉट ऑफ किडनी डिसीजेस आर क्योरिंग इन होम्योपैथी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इनकी टू मेडिसिन हैं, मैं आप फिर से बता रही हूँ इस वीडियो में, प्रीवियस किडनी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि जो भी मेडिसिन मैं यहाँ डिस्क्लोज करती हूँ यूट्यूब में वो एक कॉमन मेडिसिन होते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे तो आपको रैपिड रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अदर मेडिसिन भी होते हैं तो वो इंडिविजुअलाइजेशन एंड केस टेकिंग पे डिपेंड करते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड रेमेडीज होती हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो कॉमन है, जो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो मेडिसिन हम आपको बताते हैं। तो इनकी फर्स्ट मेडिसिन है एक बायोकेमिकल मेडिसिन है फेरम फॉस 6x 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, 2 टैबलेट्स मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, 2 टैबलेट्स बिफोर लंच एंड 2 टैबलेट्स आफ्टर डिनर यूज़ कर सकते हैं। फेरम फॉस आपको किस कंडीशन में यूज़ करना है? फेरम फॉस अगर आपको हिमेटोरिया की कंप्लेन है, इट इज़ अ गुड फॉर रेमेडी एल्पोर्ट सिंड्रोम। अगर आपके ब्लड यूरिन में ब्लड आ रहा है, ड्रॉपिस और स्किन इरप्शंस भी है, पेन आ रहे हैं, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और स्लाइट फीवर भी है, तो आप फेरम फॉस यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन से मदर टिंचर है एपोसाइनम, 15 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे, लिक्विम वाटर।
मॉर्निंग 15 ड्रॉप्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच एंड आफ्टर डिनर 3 times 15 ड्रॉप्स लेने हैं हाफ कप वाटर में। ये आप कब किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, एपोसाइनम इज़ वेरी गुड रेमेडी फॉर किडनी डिजीज़ स्पेशली ड्रॉप्सी कंडीशन, एसाइटिस कंडीशन, मतलब अगर बॉडी में स्वेलिंग आ रही हो, बॉडी में किधर भी स्वेलिंग हो रही हो, एडिमा कंप्लेन अपियर हो गया हो, पेन हो रहे हो, क्रैम्पिंग पेन है स्किन में, बर्निंग सेंसेशन है, यूरिनेशन ज़्यादा है हो रहा है, ड्रॉप्सिकल कंडीशन अपियर हो गई, तो एपिसाइनम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर अदर कॉम्प्लिकेशंस है आपको, जैसे बीपी है, डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स को कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, साथ में ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं 5-10 मिनट्स का गैप में। और आपको अदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एल्पर सिंड्रोम अपियर होने के बाद में अदर कॉम्प्लिकेशंस भी अपियर हो गए हैं तो ये मेडिसिन आप बोथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बायोकेमिक है, एक मदर टिंचर है, बिना किसी साइड इफेक्ट के बोथ मेडिसिन भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों सिम्टम इक्वली है, आपको फीवरिश भी है, ब्लड में यूरिन में ब्लड भी हो रहा है और एडिमा कंप्लेन भी है, तो ये दोनों मेडिसिन आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। 12 to 16 weeks अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। आप अगर ये मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको डाइट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रिवेंटिव में आपको मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटिक और कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए और लाइट एक्सरसाइज वगैरह करिए। और डाइट इंस्ट्रक्शंस में आपको पिकल्स नहीं लेने हैं, एक्सेसिव सॉल्ट एंड शुगर बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये दो चीज़ आपको नहीं करनी है। और एल्पर्ट सिंड्रोम से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो